हेलो फ्रेंड्स, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा जो पुराना चैनल था वो हैक हो गया, वीडियो सारी डिलीट हो गई, और अब मैं लेकर आया हूँ नया चैनल। आई होप आप इस चैनल को भी उतना ही प्यार देंगे, उतना ही सपोर्ट देंगे, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना दूँ। और आज हम जा रहे हैं फरीदाबाद टू डायरेक्ट टीरी डैम, जो आपने शायद देखा ही होगा यूट्यूब पे, कई ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने वीडियो बनाई है, लेकिन मैं आपके लिए लेके आया हूँ फरीदाबाद से डायरेक्ट टीरी। देखेंगे कितना डिस्टेंस पड़ेगा, कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। सो जस्ट चेक आउट। तो भैया यहाँ हो चुका है हमारा पेट्रोल फुल। आपको लेके जा रहा हूँ टीरी बॉर्डर टीरी डैम, और वहाँ पर अभी हमने एक्चुअली स्टार्ट किया फरीदाबाद से, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि फरीदाबाद से वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है उसका। घर से निकले हमें 6 घंटे हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट हो ही गया है, अब समय आ चुका है थोड़े ब्रेकफास्ट का, तो चलिए करते हैं। तो भाइयों, फरीदाबाद से टीरी लगते हैं पूरे 600 से 650 किलोमीटर, टाइम लगता है 10 से 11 घंटे का। हाँ तो हेलो, मैं पहुंच गया हूँ टीरी डैम, और यहाँ पर मैं रुका हूँ, एक छोटा सा कैफ़े है, डेली क्रिल्स ऑन हिल्स, यस यही है। और ठीक है, अच्छा है, यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं आप, और अगर आपकी बुकिंग है टीरी डैम पे तो यू कैन हैव अ ब्रेकफास्ट हेयर एंड यू कैन गो देयर, क्योंकि यहाँ से वो पास में ही है, आई थिंक 4 या 5 किलोमीटर होगा। अभी मैं जाऊँगा तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूँगा कितनी दूर होगा। बाकी आप एक बार इसका व्यू ले लो और मजे ले लो। तो भाई लोग, हम पहुंच गए हैं टीरी लेक के पास, टीरी लेक, और ये देखो कुछ ही देर पे हैं हमारे फ्लोटिंग हट्स। ये लेक का व्यू है, और वैसे तो आर्टिफिशियल लेक है ये, क्योंकि जो डैम का पानी है वही यहाँ पर फ्लो करते हैं टाइम टू टाइम, और ये फिल होती रहती है, और अगर बारिश का टाइम है तो ये अपने आप ही फिल हो जाती है। जैसे कि मुझे यहाँ पर पता चला कि ये देख रहे हो आप, पानी और लेवल और ऊपर हो जाता है जब रेन होती है यहाँ पर। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं अब फ्लोटिंग हट्स के मेन गेट पर। ये हमारी कार टाटा नेक्सॉन, और यहाँ से हम अब ले रहे हैं एंट्री, और यहाँ से हम बोट से जाएंगे फ्लोटिंग हट्स पे, तो देखते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। और रास्ता तो काफ़ी ढलान वाला है, काफ़ी अच्छा है, व्यू भी बहुत अच्छा है। ये सामने आ गया मेन ऑफिस फ्लोटिंग हट्स का। तो भाई लोग, ये है फ्लोटिंग हट्स जो मैं बता रहा था टीरी डैम, तो मैं पहुंच गया हूं यहां पर। ये देखो व्यू, देखो बहुत अच्छा व्यू है, और कॉटेज यहां पर थोड़े कॉस्टली हैं, क्योंकि आपको ऑन सीज़न मिलेगा 22-23 का मिलेगा, ऑफ सीज़न आपको 17-17.5 इतने का मिल जाएगा, पर हाँ अच्छा है, ठीक है, वर्थ है, वन टाइम यू कैन कम। तो अब मैं अंदर जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा क्या क्या है, ठीक है, ओके। हाँ तो फ्रेंड्स, अपना पहले दिन का टारगेट हो गया कंप्लीट, और हम पहुँच गए हैं टीरी डैम फ्लोटिंग हट्स। तो पहले तो मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ, पूरा व्यू तो आ रहा है एकदम मौसम, मतलब पैसा वसूल, और कोई कंप्लेंट नहीं है तो फिलहाल, ठीक है। तो मैं आपको पहले व्यू दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा इसके बारे में।